Welcome, students. How are you all? Hope you all are fine. Let's start our today's class. Open your English practice books, page number 56. Today, we are going to write question number 3 of positive and negative sentences. So, let's start. Question number 3 Change the following sentences into positive sentences. Be sure to keep the sentences in the same tense. Now, what For example, I do not have any money. आई हैव मनी सो क्या करना है दीज आर दी नेगेटिव सेंटेंसिस हुई हैव टू चेंज दैम इन टू पॉजिटिव सेंटेंसेज एंड हमने इनके टेंस जो कि कोई प्रेजेंट में है कोई पास में है इनके सेम टेंस रखने हैं सो लेट स्टार्ट ही डज नाट लाइक प्लेइंग वीडियो गेम्स ही डज नाट ये कौन सा टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है <coughs> तो हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में क्या करेंगे नॉट हटा देंगे और जब हम पॉजिटिव सिंपल पॉजिटिव टेंस बनाते हैं तब डज और डू यूज नहीं करते ही लाइक्स प्लेइंग वीडियो गेम्स ही लाइक्स लाइक्स के साथ एस लगाया क्यों क्योंकि सब्जेक्ट क्या है ही ही इज़ अ थर्ड पर्सन वेन एवर आवर सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर वी विल राइट एस और एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लाइक्स प्लेइंग वीडियो गेम्स द नेक्स्ट वन

डिड नाट कट हो जाएगा क्यों क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसिस में डिड यूज़ नहीं होता और नॉट तो ऑबियसली यूज नहीं होगा और क्या हो जाता है जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब तो स्टील की सेकेंड फॉर्म क्या है स्टोल द बर्गलार्टोल वेल्यूएबल्स दर्ड वन ही डज नॉट लाइक हिज जॉब दिस वन इज़ ऑल्सो सिंपल प्रेजेंटेंस सो वील ऑल्सो चेंज इन टू सिंपल प्रेजेंटेंस ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस ही लाइक्स हिज जॉब ही लाइक्स अगेन जस नॉट हमने राइट नहीं किया लाइक्स के साथ एस और एस क्यों क्योंकि ही है थर्ड पर्सन है तो ही लाइक्स हिज जॉब द नेक्स्ट वन ग्रैंड मार्स सिचुएशन इज़ नॉट सीरियस ग्रैंड मार्स सिचुएशन इज सीरियस सिंपली वी जस्ट नॉट राइट नॉट एंड द Uh, second last, I do not like going to the cinema. I do not. Just cut do not. Why? I. अब देखें यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे वाई बिकॉज आई इज फर्स्ट पर्सन वेन एवर आवर सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन वी विल नॉट राइट एस और विद दी फॉर्म ऑफ वर्ब आई लाइक गोइंग टू दी सिनेमा एंड द लास्ट वन मदर इज़ नॉट गोइंग टू कुक स्पिनच टु नाइट स्पिनच हम कहते हैं पालक को मदर इज़ नॉट गोइंग टू कुक स्पिनच टू नाइट मदर इज गोइंग टू कुक स्पिनच टू नाइट Just simply, we will cut not from the whole sentence. So, this is your today's lesson. Learn it and write it on your practice books. Take care of yourselves. Allah Hafiz.